अब इंडियन ने उसे अपने अपने तरीके से विकसित किया, वेस्टर्न वालों ने अपने तरीके से विकसित किया, लेकिन अंत में सबको वहीं आना पड़ता है। जैसे कि एक बरस कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। अब हिंदुओं ने 30 दिन का महीना माना, तो 360 दिन होते हैं। अभी 5 दिन क्या होगा? होगा तो 365 का ही। तो ये 5 दिन को हर महीने में एडजस्ट करते हैं। कभी कहेंगे कि ये लुप्त हो गई, कभी कहेंगे 2 अष्टमी हो गई। तो उनके यहाँ नियम है कि 60 घड़ी का के 24 घंटे होते हैं ना, तो उसमें जिस दिन वो 30 घड़ी से ज़्यादा दिन होगा वो उस दिन के वो माने जाएंगे। वो मान लो 30-30 से बराबर, फिर 2 अष्टमी हो जाएंगी, मतलब फिर 2 सप्तमी हो जाएंगी। और यदि जो कम ज़्यादा होगा तो उसका फिर वहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, तो कहीं स्थिति का क्षय हो गया। अब इन्होंने, अंग्रेजों ने पहले से ही सेट कर दिया कि जनवरी 31 महीने की, फरवरी 29 की या 28 की, फिर मार्च 31 का, फिर अप्रैल 30 का, फिर मई 31 का, माने वो हर महीने में एडजस्ट करते जाते हैं अपना। और ऐसे 365 दिन उनके वो हो जाते हैं। अब वो 365 में भी थोड़ा कम ज़्यादा होता है तो ये तो भारतीय तो ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। और वे फिर वो कहते हैं कि हर चौथे साल 29 दिन की फरवरी होती है, फिर वो 4 साल में जाके उसे एडजस्ट करते हैं। मतलब विज्ञान तो वही का वही है, लेकिन उन्होंने अपने अलग तरीके से किया, इन अलग से। दिक्कत क्या है कि नक्षत्रों के आधार पर नक्की होता है। दिन है 30 और नक्षत्र हैं 27, तो इसलिए रुक जाना ही। वो नक्षत्र कितने बजे से कितने बजे तक है बोल देना, फाल्गुनी नक्षत्र इस तारीख से इतने बजे है, इतने बजे से इतने बजे है। मैंने ज्योतिष भी बहुत पढ़ा था पहले, लेकिन कभी काम में नहीं लिया करके, समझ गए ना। तो वो उसमें एडजस्ट होता है, बढ़ता जाता है, एक महीना में कितना कौन सा नक्षत्र गया, कैसे गया, आया गया, और वो सब उसमें लिखा रहता है। इस तरह से कई कई जगह 28 नक्षत्र और मान लिए हैं। तो इन ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये सब चीज़ें से व्यवस्थित होती हैं ना। तो यहाँ तो उन्होंने सिर्फ उदाहरण दिया है, कला का चंद्रमा किया। जहाँ शुद्ध ज्ञान की कला उदित दिशे तहाँ शुद्धता प्रमाण शुद्ध चारित्र को अंश है। जैसे वो चंद्रमा की कला में है, ऐसे ही चारित्र में भी नक्की है कि जब सम्मा दर्शन शुरू होगा तो चारित्र का अंश भी प्रकट होगा। और फिर वो चारित्र का अंश 14वें गुण स्थान तक किस किस तरह कहाँ कहाँ कैसा बढ़ता जाएगा, एक बिल्कुल उसके अनुसार वो सारी पद्धति है। तो जैसे कि अपन ने कहा ना कि अमावस के दिन चंद्रमा होता ही नहीं, और एकम के दिन दिखता नहीं है तो नहीं होता ही जैसा मान लिया, दोष से ही गिनते हैं। देखो गुरुदेव श्री, एक बात कभी उनके प्रवचन में तुमने ध्यान से सुनी हो तो, बुजुर्ग लोगों ने तो सुनी ही होगी कि बीज उगी छे तो पूर्णमासी थसे थसे पण थसे, नहीं आया समझ में, कि यदि दोज उगा है चंद्रमा तो वो पूर्णमासी गारंटी से आएगी, लेकिन ये कब? सुदी में, सुदी समझते हो, शुक्ला में, शुक्ला माने सफेद, क्योंकि ज्यादा रहेगी ना रात, चांदनी रात, इसलिए। तो चंद्रमा उगा है तो नियम से बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी में बदलेगा। तो बीज बोलते थे सम्यक दर्शन को, और फिर वो पूर्णमासी बोलते थे काय को, केवल ज्ञान को। यानी सम्यक दर्शन हुआ है, आत्मा की अनुभूति हुई है, तो उसे एक दिन केवल ज्ञान अवश्य होगा। अभी उसमें ये कब की बात है? शुक्ला की, इस शुक्ला की बात है, मतलब ये अमावस के बाद वाली बीज की बात है।
अब पूर्णमासी का उल्टा होता है, फिर पूर्णमासी की जो दी जाती है, दो जाती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अब एक भाग्य की बात है, वो भी कह ही देता हूँ कि पूज्य गुरुदेव श्री की जो जन्मतिथि है वो तो है शुक्ला की। शुक्ला समझ गए ना, कि जो दो दोज उगकर पूर्णमासी में बदलेगी। और फिर एक दो एक डेढ़ महीने ही बाद आती है बहन श्री की, तो वो है कृष्णा की। समझ में आ रहा है? तो जब गुरुदेव वो बात कहते थे ना, तो वो तो उनने कभी नहीं कही है? लेकिन एक कहते थे तो लोगों को तो रस आता है ना, कि यहाँ से ज्ञान की किरण होगी है तो ये केवल ज्ञान में जाके बदलेगी है, और यहाँ एक अंधकार होगा है तो अंधकार का क्या होगा। एक बात और कहूँ आपको, गुजराती और हिंदी में अंतर समझते हो तो गुजराती में अमावस के दिन महीना पूरा होता है, और हिंदी में पूर्णमासी के दिन महीना पूरा होता है। कभी मानो जैसे कि अभी अपना क्या चल रहा है जी, अभी छोड़ दो, मान लो कि अपना जो रक्षाबंधन आता है ना, तो श्रावण सुदी पूर्णमासी के दिन आता है ना, अपन उसे श्रावण बोलते हैं और वे उसे भादवा बोलते हैं। उनका महीना अमावस को पूरा हो जाता है ना, बंदा जन निकल गया। तो ये चक्कर पड़ता है हमेशा कि पूरा महीना कब होगा। तो वो ये कहते हैं कि दिवाली के दिन से शुरू हुआ बरस, और अगले साल दिवाली को बरस खत्म होगा, तो वो फिर अमावस के बाद ही शुरू हुआ ना, उसे बोलते हैं वो व्यस्ता बरस। गुजरात में क्या बोलते हैं, क्या अब बरस बैठा है। तो दिवाली के दूसरे दिन को क्या बोलते हैं, तुम तो समझते हो ना गुजराती लोग, व्यस्ता बरस छे, तो वो बैठता हुआ बरस। और हिंदी वाले नहीं मानते हैं अमावस को, वो नया साल समझेंगे ना। तो वहाँ क्या होता है कि गुरुदेव ये बोलते थे कई दफे अपने प्रवचनों में, आप लोगों ने सुना हो कि नहीं, कि हिंदी वाले सही हैं, ये गुजराती वाले सही नहीं हैं। और वो तर्क ये देते थे कि देखो उसका नाम है अमावस, अमावस माने अर्धमासी, और पूर्णिमा माने पूर्णमासी, अपन बोलते भी ना, तो उसमें साफ शब्द लिखा है पूर्णमासी कि महीना पूरा हो गया, समझे ना। और अमावस को अर्धमासी लिखा है, अमावस को अर्धमासी लिखा है और उसको पूर्णमासी लिखा है, इसलिए हिंदी वालों की बात सही है। तो इसलिए अच्छा उन्हें कहें, अब दोनों की सुदी, सुदी माने शुक्ला एक होती है, और कृष्णा में अंतर होता है एक महीने का। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अपन तो मानते कृष्णा आई पहले, चैत कृष्णा पहले आई और चैत की शुक्ला आएगी बाद में। अब वे क्या मानते हैं कि चैत की अपनी शुक्ला शुरू होती है, शुक्ला से शुरू हुआ तो उनका महीना 15 दिन बाद शुरू होता है, तो 15 दिन बाद शुरू होगा तो 15 दिन बाद खत्म होगा। 15 दिन बाद शुरू होगा तो 15 दिन बाद खत्म होगा। तो ये भाग्य की बात है कि पूज्य गुरुदेव की तो सुधी है वैसाख सुधी दो, तो वो तो दोनों की एक होती है। तो अपने कहते थे हाँ अक्षय तृतीया आई, तीज की आई और सुधी की गुरुदेव की, तो हिंदी वाले और गुजराती वाले में कोई चक्कर नहीं पड़ता है। लेकिन जिसकी बदी की होगी, तो अपन बोलते हैं भादों बदी दोज को भैंसरी की जयंती है, तो वे बोलेंगे श्रावण बदी दोज। अब समझना, अपने आप वो भादों बोलते हैं
और तुम्हारे यहाँ सावन बोलते ना, तो भैंस जी का जन्म सावन मती दोज को है, और अपने यहाँ सावन मती दोज गिनेंगे तो फिर एक महीना पहले हो जाएंगी। अब कहाँ कहाँ क्या क्या परंपराएं कैसे चली, लेकिन जो चीज से अपन प्रभावित होते हैं उतना उसका ज्ञान तो उतना तो होना चाहिए ना। आपको सामान्य जानकारी इसकी नहीं होगी तो फिर आप लगाते ही रहना गिनती, वो सही बैठेगी नहीं गिनती, समझे ना। जहाँ शुद्ध ज्ञान की कला उदोत हो तिशे, शुद्धता प्रमाण शुद्ध चारित्र को अंश है, ता कारण ज्ञानी सब जानेंगे वस्तु मर्म। देखो सर्वथा कर्म जाल का विध्वंस हो जाता है, है ना, और निरुपाधि आत्म समाधि में विराजित होता है। तो ये आत्म परम हंस माने भगवान आत्मा पूर्ण प्रगट माने पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, माने पूर्णमासी हो जाती है, हो गया ना। चलो जहाँ पर शुद्ध ज्ञान की कला का उद्योत होता है वहाँ उसकी शुद्धता के परिमाण में शुद्ध चारित्र का अंश अवश्य ही प्रकट हो जाता है। इस कारण ज्ञानी जीव समस्त गे वस्तुओं का मर्म जान लेते हैं और उनके सर्वांग वैराग्य भाव प्रकट हो जाता है। वे ज्ञानी जीव राग देश मोह की अवस्था से सर्वथा भिन्न रहते हैं, इस कारण उनके भूत भविष्य और वर्तमान कालीन कर्मों के जाल का विध्वंस हो जाने से वे निरुपाधि आत्म समाधि में विराजते हैं और प्रगट रूप से परमात्मा बन जाते हैं। वही जो वर्णन पीछे किया था ना जयचंद छाबड़ा ने कि कैसे दोज के दिन वो उगता है और पूर्णमासी वो पूर्ण हो जाता है, ऐसे कौन सी ज्ञान चेतना। तो ज्ञान चेतना सम्मा दर्शन से प्रकट होती है और केवल ज्ञान में पूर्ण हो जाती है, समाप्त नहीं पूर्ण हो जाती है, है ना। अरे स्वामी जी का है पढ़ना, इसके बाद में अपन पढ़ें। देखो इस प्रकार आगामी गाथाओं की के भाव की सूचना देने वाला इस कलश में यही कहा गया है कि देखो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना के माध्यम से भूत भविष्य और वर्तमान कालीन कर्मों से रहित एवं अपने स्वभाव का नित्य स्पर्श करने वाले ज्ञानी जन चारित्र के बल से कर्म चेतना और कर्मफल चेतना से रहित होकर केवल ज्ञानमयी साक्षात ज्ञान चेतना को प्राप्त होते हैं। अभी अपन ने छंद पढ़े वो पढ़े, उनमें कहीं ऐसा प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना शब्द नहीं आए, लेकिन जब भी आचार्य अर्थ करते हैं तो आगे देखने होंगे प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना और चारित्र, ये आत्मा ही है। ऐसे भेजेंगे आत्मा ने प्रतिक्रमण किया और प्रतिक्रमण अलग आत्मा कहते, जो आत्मा अपने भूतकाल के देशों से अपराधों से निर्वृत्त हो गया। अब निर्वृत्त हो गया माने भूतकाल के तो नष्ट ही हो गए वैसे, लेकिन वो उसमें श्रद्धा में से उनका कर्तृत्व उसके दिमाग में से निकल गया, कर्तृत्व और भोक्तृत्व
क्यों करते तो भोक्तृत्व तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना कहलाते हैं। यदि वो दिमाग में से नहीं निकले तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना खड़ी रहेगी, है ना। तो वो उसके श्रद्धा में से निकलना चाहिए। तो कहते ऐसा वो आत्मा कि जिसके भूतकाल के दोषों के संदर्भ में कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव निकल गया, भाव ही निकलना है अब तो, क्योंकि वो तो सब जो कुछ थे जो पूरे के पूरे नष्ट ही हो गए। तो वो आत्मा ही प्रतिक्रमण है कहते हैं। जब वो प्रतिक्रमण करेगा, वो प्रतिक्रमण है, वो करता है आत्मा, और होने वाली वो क्रिया है, फिर बताएंगे कैसा कैसा करना पड़ता है। तो ये बोलना पड़ता है, फिर ऐसा बैठना पड़ता है, फिर रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी पड़ती है, फिर वो 50 तरह की बात कहते हैं। वो तो श्रद्धा के लेवल की बात है, इसलिए वो कहते हैं बस वो आत्मा ही प्रतिक्रमण है। जब वो आत्मा ही प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है और आलोचना है, तो ज्ञानी के चौथे गुणस्थान में सम्मा दर्शन प्रकट हुआ तो उसके नित्य प्रतिक्रमण, नित्य आलोचना और नित्य प्रत्याख्यान मौजूद है। प्रत्याख्यान भविष्य के संदर्भ में होता है, प्रतिक्रमण भूतकाल के संदर्भ में होता है, और आलोचना वर्तमान के संदर्भ में होती है, और होती तीनों वर्तमान में। वो भूतकाल में होगा ऐसा नहीं, भूतकाल के दोषों से आत्मा के संबंध की अस्वीकृति, उसका नाम प्रतिक्रमण है। ये शब्द बनाना प्रतिक्रमण, आप जानते हैं उपसर्ग होते हैं और धातुओं में प्रत्यय होते हैं, तो अंत में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं और शुरू में लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जो अंत में लगते हैं वो प्रत्ययों से धातु का अर्थ नहीं बदलता है। एक वचन का बहुवचन हो जाएगा, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग हो जाएगा, ये फर्क पड़ेगा, लेकिन उपसर्ग की परिभाषा ये है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते। उपसर्गों के माध्यम से धातु का अर्थ जबरदस्ती दूसरी जगह ले जाया जाता है। अर्थ माने कोई मीनिंग क्या मतलब है, देखो गम धातु है मूलतः, गम का गच्छ रूप बनता है, गम गच्छ धातु ऐसा बोलते हैं ना अपन। अब गम धातु से गच्छ बन करके गच्छति ये बना ना, तो अभी ये कहते हैं कि अब इसमें हमने ती लगाया प्रत्यय तो वह जाता है, उस अन्य पुरुष हो गया, फिर ता लगाया तो वे दो जने जाते हैं, फिर अंति लगाया तो वे तीन बहुवचन में जाते हैं, फिर ऐसे बनेंगे। तो ये अर्थ नहीं बदला, उसी में विभक्तियाँ जुड़ती गईं, लेकिन इसमें क्या होगा, गम माने गम गच्छ माने जाना, और उसमें आ उपसर्ग लग गया तो वो आगच्छ हो गया, तो उसका अर्थ हो गया आना। देखो एकदम उल्टा, गच्छति माने जाता है और आगच्छति माने आता है। तो गम धातु में आ उपसर्ग लगा तो धातु पे उपसर्ग आ गया ना, अरे उसका पूरा अर्थ ही बदल जाए तो इससे बड़ा और उपसर्ग क्या होगा। फिर अब गम आ से आग अच्छा हो गया, अब वो आ तो लगा ही रहा, अब एक और लग गया प्रति, तो क्या बन गया प्रत्यागच्छति, तो क्या अर्थ हो गया लौट कर आना। ख्याल में नहीं समझे, अब फिर अब उपसर्ग लग गया तो अब गच्छति माने जानना हो गया। तो ऐसे जितने जितने उपसर्ग लगेंगे उसके हिसाब से उनके अर्थ बदलते जाते हैं। तो उसका इसके उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नियते। तो अब ये जो है ना प्रतिक्रमण, अपन प्रति लगा रहे थे ना प्रति, तो क्रम धातु है वो जो जाने के अर्थ में होती है, चाहे गच्छ गम गच्छ कहो या क्रम कहो, क्रम फिर क्रमति ऐसे बनेंगे रूप। अब क्रम में आ लगा दोगे तो आक्रमण हो जाएगा,
अब अलग अर्थ हो गया, क्रम माने जाना और आक्रमण माने आक्रमण करना, तो जाना तो है ही लेकिन आक्रमण करते हुए जाना है, हैं? और फिर प्री और लगा लो तो प्रत्याक्रमण हो जाएगा, फिर लौट के आना हो जाएगा, तो ये प्रतिक्रमण। तो इसमें प्रति लग गई तो लौट के आना, ऐसा अर्थ। प्रतिक्रमण माने लौट के आना, माने जहाँ हम गलत चले गए थे अब हम, आज हमें पता चला तो हम लौट के आ गए, माने वो हमारी गलती सुधर गई। कहने का मतलब ये है अब वो गलती तो उस काल में तो हो गई सो हो गई, और जो कर्म बन गया सो बन गया, और हो सकता है वो हमारा उदय में आकर हमने भोग भी लिया हो, और ये भी हो सकता है सत्ता में पड़ा हो और कल भोग ना पड़े, वो अलग बात है। लेकिन क्या हम तो कहते हैं ना हम तो लौट के आ गए। ऐसा है, एक कांग्रेसी आदमी था वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, समझ गए ना। अब उसने जो कुछ भी किया उस वक्त, उसके अच्छे बुरे जो परिणाम आए वे आ गए, और बहुत भोग लिए और बहुत अभी भोगना बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन फिर वो कहेगा कि हम लौट के आ गए कांग्रेसी हो गए, माने हमने अपने आप ही पश्चाताप हो गया ना उसका अर्थ, कि हम वहाँ जा कर के पछताए। हम तो समझते थे ये बहुत अच्छी पार्टी होगी, लेकिन तो सांप्रदाय जो कुछ भी आरोप लगाया, समझे ना। तो ऐसे ही हम जहाँ चले गए थे वो रास्ता सही नहीं था, और आज हम लौट के वापस आ गए, उसका नाम हो गया प्रतिक्रमण, समझे ना। लौट के वापस आना सही रास्ते पर। अब इसमें ये इसका आवास शाब्दिक अर्थ है, तो हम उसमें क्या कहते, पुरानी जो भी गलतियां होती हैं हमसे वो हम उनको दोहरा देते हैं। अभी क्या करें कि आचार्यों ने बना दिए, क्योंकि हम तो समझते तो हैं नहीं अपने आप, जो वास्तव में तो हरेक का प्रतिक्रमण, हरेक की आलोचना और हरेक का प्रत्याख्यान अपना व्यक्तिगत चीज है, सामूहिक कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम वहाँ गए थे हम गए ही नहीं थे। अब दोनों एक साथ बोलेंगे, अब जब बोलेंगे तो क्या करेंगे, वो सामूहिक ही बनाना पड़ेगा ना, तो फिर लगाएंगे हम कहाँ से, क्या लगाएंगे, मैंने एक इंद्री का घात किया, फिर मैं एक इंद्री में से मैंने पृथ्वी का घात किया, फिर मैंने जल का घात किया, फिर मैंने अग्नि का घात किया, फिर मैंने हवा के को तकलीफ पहुँचाई, फिर मैंने वनस्पति को तकलीफ पहुँचाई, फिर तृष जीवों को तकलीफ पहुँचाई, एक एक गिनाएंगे, क्योंकि ये सबके हुए हैं, हैं? फिर वो बोलेंगे ना क्या कि मैंने पृथ्वी की खोदी आते आलोचना पाने में आता होगा ना पृथ्वी का, फिर कहते पानी को जल बलोल लो, हैं? फिर आता हवा को मैंने ये डिस्टर्ब किया, फिर अग्नि के साथ मैंने ऐसा किया, फिर वनस्पति के साथ ऐसा किया, वो पंक्तियाँ आती हैं, मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रही हैं, आलोचना पाठ में बोलते जाते हैं ना, तो वे सामूहिक रूप से हैं, लगभग सबसे बेगलतियाँ हुई हैं, तुमने भी पृथ्वी पर रहे, हम भी पृथ्वी पर रहे, तुमने जैसे उसके साथ की कभी खूंटा गाड़ा उसमें, कभी उसे खो दी, कभी उसे कुछ किया, जो तुमने किया वो हमने किया, इसलिए एक कॉमन हो गया। पानी के साथ जो तुमने किया वो हमने किया, कुएं में बाल्टी डाली और फिर उसको उठा उठा के पटकी, क्योंकि वो जो काई है अलग हो जाए, पानी निकली तो उसमें जो जीवों को तकलीफ हुई, तो उनने वो चीज़ें गिना दी। मैं इस कदम माताओं बहनों की मुख्यता से हो गया तो झाड़ू ले जाएगा बुहारी फिर चिटिया देखी जिम्मेदारी, फिर तीन इंद्री, फिर चार इंद्री, फिर मक्खी मच्छर मारे, फिर चार इंद्री, फिर पांच इंद्री, ऐसे नहीं पांच इंद्री, मेरे कहने का मतलब उन्होंने धीरे 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 सब बना लिए। ऐसे उन्होंने क्या, मैंने एक जीव एक एक इंद्री को मारा, दो इंद्री को मारा, तीन इंद्री को मारा, चौथे इंद्री को मारा, पांच इंद्री, ऐसे वो सब गिनाते रहते। सीतामढ़ों के जो बने हुए हैं सभी सारे प्रतिक्रमण इस तरह से बने हुए हैं, हैं? और वे प्राकृत भाषा में है, पुरानी भाषा पाली में प्राकृत में, तो बस वो किसी की समझ में कुछ नहीं आता क्या हो रहा है, तो श्रीमद ने गुजराती में बना दिया है, और फिर वो बोलते हैं मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा ऐसा बोल बोल गलती करते हैं। तो वहाँ पर अध्यात्म स्टडी सर्कल में हम जाते हैं हर साल बम्बई में, तो वहाँ ने एक पद्धति बना रखी, जब प्रवचन खत्म होते हैं तो अंत में वो बोलते हैं, श्रीमद के बनाए हुए दो हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो वो खड़े होकर के जो आधा पेज का है वो बोलते हैं।
तो वे बोल के खुद सुनाते हैं, सब लोग सुनते हैं। तो ये अनेक अनेकांत वो छोटा था तो हमारे साथ वहाँ गया प्रवचन में, वहाँ बैठा सुना हुआ इसने, क्योंकि पापा साथ में होंगे। फिर वो बोलते थे हूँ पापी छूँ, हूँ दुष्ट छूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा वो दिनेश भाई बोलते थे स्पीकर पर। तो जाकर दादा एक क्या कि दिनेश भाई पापी है? मैं कहा नहीं, तो वो बोल रहा था ना, कल भी बोला और आज भी। मैं ये बात कह के सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो सब हमारा ऐसा मशीन जैसा काम हो गया। क्या कि वो कोई नहीं समझ, जब बच्चा था तो उसने सही बात सोच ली, कह दी, अब बाकी कोई सोचता ही नहीं है कि मैं दुष्ट हूँ, मैं पापी हूँ। अब ऐसा कह रहे हम कि तुम बहुत दुष्ट हो, तुम बहुत पापी है, तो गुस्सा कह रहे कि तूने कहा रोजीना हमने सुना, कोई बरसों हो गए, 30 बरस हो गए सुनते सुनते, हर साल रोजीना सुनते हैं 8 दिन तक है? इतनी दफे क्यों सारी सभा के सामने स्वीकार किया और आज हम कह रहे तो अकड़ रहा है। यानी वो इतना नीरस हो गया, मैं कहना चाहता हूँ जान निकल गई उसमें से। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे कि सचमुच तुम्हें भगवान की स्तुति करनी है, सचमुच प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना है, तो छोड़ो हमारे तुम्हारे लिखे, तुम अपनी भाषा में बोलो। मंदिर में जाकर के प्रभु पद्धत पावन नहीं पढ़ना है, घबराना घबराना नहीं, सकल गए गायक नहीं पढ़ना, अपने अपने मुंह से बोलो ना। हम तो भी पद बना नहीं, बनाओ पद ना, गद्य में बोलो। तुम अपने मम्मी से रोटी चाहिए, दाल चाहिए, खाने चाहिए, तो कपड़ानी कभी भी कविता में जाके बोलते हो, वो कविता बोलो मम्मी मेरे को रोटी चाहिए। सिनेमा में गीत बन गएगा, मुझे क्या कहाँ क्या दे दे मम्मी, क्या करवा दे, वहाँ घुमा दे घुमा दे। लेकिन वो चीज़ें भी जब एक्चुअल में बच्चे अपनी माँ से मांगते हैं तो वो भी गा के नहीं बोलते हैं। गा के नहीं बोलते हैं, समझ में है ना। मुझे याद है सबसे पहले जब हमने रामायण पढ़ी थी संस्कृत की, तो उसमें आता था अहम गमस्यामि महाबनम प्रिये त्वया हि वस्तव्य यहि विभाविनी। माने रामचंद्र जी सीता जी से कह रहे हैं जाकर के कि अहम गमस्यामि महाबनम प्रिये, हे प्रिय मैं भयंकर जंगल में जा रहा हूँ पिताजी की आज्ञा से, और त्वया हि वस्तव्य यहि विभाविनी, कि आपको यहीं रहना चाहिए और सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। उसमें लिखा सब ऐसा क्या। तो हमारा चक्रवर्ती प्रोफेसर पढ़ाता था तो वो कहता कि ये कविता कविता में बोलती होगी, रामचंद्र जी सीता से बात करते होंगे तो कविता में बोलते होंगे, क्योंकि उस वक्त पद्य में ही लिखा जाता था, गद्य में तो लिखा नहीं जाता था। आपने नाटक पुराने जमाने के देखे हो ना, तो वे नाटक भी सब कविता में ही होते थे। स्टेज पर आते थे नायक नायिका तो वो सब वे छंद ही बोलते थे, क्या वो छंदों में ही संवाद चलते थे, वे रट लेते थे और वो संवाद बोलते थे और सब लोग आराम से देख के सुनते थे। ये गद्य का तो बाद में आया, क्योंकि यही तर्क से कि कहीं होता ही नहीं है ऐसा एक्चुअल।